नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ताज़ा क्रिकेट खबरें पढ़ने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कल हैदराबाद बनाम दिल्ली मुकाबला हुआ था, जिसमे दिल्ली के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था, पर वो इस निर्णय पर गलत साबित हुए और इसका सबसे बड़ा कारण है डेविड वार्नर। जी हाँ दोस्तों, डेविड वार्नर अपनी पुरानी आक्रामक शैली में बैटिंग क्रेन दिखाई दिए, जिसके कारण दिल्ली के गेंदबाजों को उन्हें रोकने के सभी अस्त्र नाकाम हो गए। डेविड वार्नर ने केवल 25 गेंदों में 50 रन प्योर किए, जिसमें नॉन आईपीएल 2020 के सबसे सफल गेंदबाज कागिसो रबादा को भी नहीं बख्शा। अनॉन रबादा को अपने पहले ही ओवर में 6/4/4/4 लगाकर कुल मिलाकर 22 रन बनाए और अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। उनके साथ साथ ही वृद्धिमान साहा ने भी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए 80 रनों की पारी खेली और सनराइजर्स ने दिल्ली के लिए 220 रनों का बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया। जब दिल्ली की टीम इस बेट टारगेट का सामना करने उतरी तो उनके सलामी बल्लेबाज पट्टों की तरह बिखर गए और बढ़ाते हुए रन रेट के कारण मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी रिक्वायर्ड रन रेट के दबाव के कारण ज्यादा रन नहीं टिक पाए। सनराइजर्स की तरफ से राशिद खान फियर से अपने आप को साबित कर उतरे और उन्होंने केवल 7 रनों के चलते 3 विकेट हासिल किए, जिसके चलते दिल्ली की टीम यह मुकाबला 88 रनों से हार गई। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।